महाराष्ट्र में आज कोरोना के मामलों में आई है गिरावट। पिछले 24 घंटे में 54,022 मामले। कोरोना से महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में लोगों ने गवाई है 898 मरीजों ने जान। करीब 37,000 मरीज डिस्चार्ज हुए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 71 मौतें और लगभग 3,000 नए केसेस। मेडिकल एक्सपर्ट्स को अंदेशा, कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए होगी सबसे ज्यादा घातक। एक्सपर्ट्स की सलाह को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार बनाने जा रही है पीडियाट्रिशियन की टास्क फोर्स, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया। बांद्रा ईस्ट के कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी अपने क्षेत्र में वैक्सीन सेंटर के उद्घाटन के लिए न बुलाए जाने से शिवसेना मंत्री से नाराज, ट्विटर पर जताई नाराजगी। शिवसेना नेता अनिल परब ने किया था उद्घाटन। जीशान ने कहा कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों ही पार्टियों की है महाविकास आघाड़ी सरकार। गोवा में बढ़ते हुए मामले को देखते हुए लगाया गया 15 दिनों का कर्फ्यू। रविवार सुबह 9 बजे से शुरू होकर 24 मई तक चलेगा। आवश्यक सामानों की दुकानें 1 बजे तक खुली रहेंगी। मुख्यमंत्रियों ने लोगों से कहा सभी फंक्शन अभी टाल दें। पुणे में भेष बदलकर थाने पहुंचे पुलिस कमिश्नर का एम्बुलेंस की शिकायत पर पुलिस वाले ने कहा मेरा काम नहीं है, मास्क हटाने पर उड़े होश। मुंबई में एफआईआर को लेकर कंगना का पलटवार, कहा बंद नहीं होगी मेरी आवाज। बंगाल हिंसा को लेकर कंगना पर हुआ था केस। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बंगाल की हिंसा पर बीजेपी को घेरा, कहा चुनाव प्रचार में पार्टी के बड़े नेता दे रहे थे भड़काऊ बयान। सामना में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर भी सवाल किए गए, कहा बीजेपी को नहीं पच रही है हार। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दयानायक का एटीएस से किया गया गोंदिया जिले में ट्रांसफर, माना जा रहा है कि मुंबई ठाणे में पुलिस की क्लीनअप ड्राइव का नतीजा है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में ड्रग्स पेडलर हेमल शाह गिरफ्तार, गोवा से मुंबई INCB। मुंबई में फेक ई पासपोर्ट रैकेट का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। बुलढाणा में नकली सोने के जालसाजों पर 150 पुलिसकर्मियों का ऑपरेशन, 26 लाख कैश, नकली सोने की गिनियों के साथ मिले 2 देसी कट्टे। लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम, 4 दिन में डीजल 1 रुपया महंगा। मराठी एक्टर नवनाथ गायकवाड़ की कोरोना से मौत हुई, कई ऐतिहासिक मराठी फिल्मों में किया था अभिनय। कोरोना की जंग में आगे आए विराट, अनुष्का कोविड रिलीफ में जुटाएंगे 7 करोड़, खुद दिए 2 करोड़ रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अंदेशा जताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर में भी काफी बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। राज्य सरकार इसका सामना करने के लिए अभी से जुटी हुई है। और एक और बड़ी चिंता यह है कि स्लम इलाकों में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, यानी कि लोगों में पहले के मुकाबले एंटीबॉडी कम हो रही है। यहां लोगों का खूब वैक्सीनेशन किए जाने की जरूरत है, मगर मुंबई में वैक्सीन की बहुत कमी है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे महाराष्ट्र ने अभी से तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे, इसीलिए उद्धव ठाकरे सरकार एक स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है, जो राज्य में बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स बनाएगी। बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है, इसलिए अगर उनको कोरोना बाधित हो जाता है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम उनके लिए खास तौर पर SNCU जो बेड्स है वो SNCU बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं, उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं, तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही जरूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना जरूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना जरूरी है और प्री प्लानिंग होना जरूरी है। इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं और टास्क फोर्स का जो मार्गदर्शन रहेगा हम जल्द से जल्द उस हिसाब से करेंगे। बच्चों के लिए जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे उनमें बच्चों के हिसाब से पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स और दूसरी जरूरी मेडिकल चीजों का इंतजाम होगा। ये सब स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स की देखरेख में होगा। टास्क फोर्स बच्चों की ट्रीटमेंट के पैटर्न की स्टडी भी करेगी। तीसरे लाट में या तीसरे हवे में
जो आएगी उसमें शायद वो बाढ़ में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है, और उसके अनुसंग से महाराष्ट्र शासन ने तैयारी चालू की है। उन्होंने पीडियाट्रिक जो शिशु रोग तज्ञ जो है उनकी एक मीटिंग बुला के, उनके सब एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ एक विचार विमर्श करके उनकी एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन बनाई है ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए। महाराष्ट्र में करीब 6000 पीडियाट्रिशियंस हैं, जिन्हें बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए ट्रेन किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, और तीसरी लहर में और ज्यादा बच्चों के संक्रमण की आशंका है। इस बार हमने देखा है कि बच्चों में कोविड इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, सिर्फ उतना नहीं है, जो बच्चों उनमें से जो परसेंटेज अब तक बच्चे हैं जिनको अक्सर हम लोग होम क्वारंटाइन में लास्ट टाइम मैनेज कर रहे थे, इस बार हमको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ रही है, उनमें एक्यूट कोविड इफेक्ट भी आ रही है, और उनमें लेट कोविड इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, वो भी हो रहा है। छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और ये हो सकता है कि स्ट्रेन चेंज हो रही है, पैटर्न जो है वो चेंज हो रही है, जो सीवियरिटी ऑफ द लंग डिजीज है वो एडल्ट्स की तरह दिख रही है, तो ये पॉसिबल है कि थर्ड वेव में हम ज्यादा सीवियरिटी देखें या ज्यादा बच्चों को आईसीयू की जरूरत पड़े, और उसके लिए प्रिपेयर करने के रखना अगर पॉसिबल है तो वो सबसे अच्छी बात है। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स ने एक और चिंता जताई है, मुंबई के स्लम इलाकों में सीरो पॉजिटिविटी घट रही है, यानी कोरोना के एंटीबॉडी घट रहे हैं। बीएमसी के सबसे ताजा सीरो सर्वे में देखा गया है स्लम इलाकों में एंटीबॉडी 12% घट गए हैं। इस साल अप्रैल में 41% लोगों में एंटीबॉडी मिले थे, जुलाई 2020 में 57% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए थे। पहले बाढ़ में जैसे हमारे स्लम पॉपुलेशन धारावी में अफेक्ट हुआ था, दूसरे बाढ़ में मिडिल क्लास पॉपुलेशन या हाई राइजेस में हुआ था, तीसरे वेव में हम ये करते हैं कि यदि ये पॉपुलेशन स्लम्स में हम वैक्सीनेट नहीं कर पाते तो वहां पे भी वेव आने की संख्या, क्योंकि सीरो पॉजिटिविटी गिर सकती है, तो वो पॉपुलेशन के ऊपर भी फोकस करके वैक्सीनेशन, एजुकेशन और वहां के बच्चों के भी देखभाल करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज मानसून भी आ रहा है, अभी आपको मालूम है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में काफी बारिश गिरती है, तो उसकी तैयारी भी हो रही है, और वहां पे बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है, अलग अलग बीमारियां होती है, तो ये सब अनुशांग करके पूरे जो कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर रहे हैं। मुंबई में वैक्सीनेशन भी काफी धीमी गति से हो रहा है, जिस लिहाज से यहाँ की जनसंख्या है और जैसे कोरोना का प्रकोप है, बहुत कम लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। 3 मई का उदाहरण लीजिए, मुंबई में 24,96,059 लोगों को वैक्सीन लगी, जबकि पुणे जिसकी जनसंख्या मुंबई के मुकाबले काफी कम है, वहाँ 22,98,632 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोविड की दूसरी लहर से जूझने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर के लिए आकलन लगा रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि बच्चों और स्लम पॉपुलेशन में इन्फेक्शन ज्यादा होगा, इसलिए बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स और स्लम्स में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के ड्राइव प्लान किए जा रहे हैं। सौरभ बक्ताने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। कोरोना का कहर जारी है, लेकिन क्या अप्रैल के मुकाबले मई में राहत के संकेत हैं? इस सवाल का जवाब हां में है। आपके मन में सवाल आएगा कि आज तो नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ चुका है, तो फिर हम ये किस आधार पर कह रहे हैं? इसका जवाब है कि कोरोना की आर वैल्यू घट रही है। आर वैल्यू घटने का मतलब यह है कि संक्रमण फैलने की जो स्पीड है वो कम हो रही है। आर वैल्यू होती क्या है और इसकी पूरी तस्वीर क्या है, इसे समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको बड़ी मदद करेगी। देखिए, अस्पतालों में मरीजों की कतार टूट नहीं रही, कोरोना के नए मामलों की रफ्तार थम नहीं रही, सक्रिय मरीजों की तादाद भी रोजाना पहले के मुकाबले बढ़ रही है, लेकिन अब इस त्रासदी में उम्मीद की कुछ किरणें भी दिखी हैं। संक्रमण फैलने की रफ्तार को बताने वाला रिप्रोडक्शन नंबर यानी आर नंबर या आर वैल्यू धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है। आर नंबर इस बात का सूचक होता है कि कोई एक संक्रमित व्यक्ति कितने और लोगों को संक्रमित कर सकता है। आर नंबर घटने का मतलब ये होता है कि संक्रमण पहले के मुकाबले कम तेजी से फैल रहा है। आर वैल्यू घटना राहत की बात तो है, लेकिन जब तक ये एक से कम न हो जाए तब तक संक्रमण में बढ़ोतरी होती रहती है। To say that the entire curve is flattened or we have gained some amount of control over this outbreak, the effective reproduction number should drop below 1.
That's when we would have reached a reasonably manageable loads of cases. आज तक के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक 3 मई को शुरू हो रहे सप्ताह में भारत में कोरोना की आर वैल्यू घटकर 1.12 रह गई। 5 राज्यों में आर वैल्यू 1 से कम हो गई है, जबकि 2 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच भारत की आर वैल्यू सर्वाधिक 1.56 रही। इस हफ्ते भारत के 8 बड़े राज्यों में आर वैल्यू 2 से अधिक थी। अगर हम सिंपल मैथ्स करें तो ये दिखता है कि एक पेशेंट एक दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करके केसेस बढ़ा रहा है। अगर वो मल्टीप्लाई हो और एक पेशेंट एक से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करे तो इस तरीके से केसेस 4 या 8 हो जाएंगे। इस तरीके से आर रेट ये दिखा रहा है कि लॉकडाउन काम कर गया, लोगों को घर पे रखने का कोई तो फायदा हुआ क्योंकि आर रेट कम हो गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस वैल्यू पे रिलायंस कम होनी चाहिए क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि टेस्टिंग कैसे हो रही है और डायग्नोसिस कैसे हो रही है, और वो इस समय देश में ठीक तरीके से नहीं हो रही है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग, ये कोरोना काल का सबसे बड़ा मंत्र है। इसलिए कोरोना पर काबू नियमों का पालन करने से ही संभव है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की पीक पर पहुंचने की जो संभावनाएं 15 मई तक जताई गई थी, आर वैल्यू से उसके सच होने के संकेत मिल रहे हैं। बड़े राज्यों में सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही 3 मई को शुरू हुए सप्ताह में पिछले हफ्ते के मुकाबले आर वैल्यू में बढ़ोतरी देखी गई। छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का आर वैल्यू मौजूदा हफ्ते में 1 से घट गया है। बिहार में 5 से 11 अप्रैल के हफ्ते में आर वैल्यू 3.10 था, इस हफ्ते 1.14 दर्ज हुआ। 5 से 11 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश का आर वैल्यू 2.81 था, जो 3 मई से शुरू हुए हफ्ते में 0.94 है। महाराष्ट्र की आर वैल्यू 3 मई से शुरू हुए हफ्ते में 0.91 है। यानी कुछ दिनों में कोरोना की दूसरी लहर से राहत की उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली में स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से जूझने के लिए हमारा देश दुनिया भर से मदद ले रहा है। विदेशों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, दवाएं और वेंटिलेटर भेजे जाने की रोज खबरें आ रही हैं। और महाराष्ट्र के नासिक में पीएम केयर फंड से भेजे गए वेंटिलेटर कबाड़ा हो रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो कनेक्टर भेजा जाना था वो भेजा ही नहीं गया। ये वेंटिलेटर काम कर सकते थे तो सोचिए कितने लोगों की जिंदगी बच सकती थी। आम आदमी एक ऑक्सीजन बेड और एक वेंटिलेटर बेड न मिलने की वजह से दम तोड़ रहा है। वहीं नासिक में ये 60 नए वेंटिलेटर भूल भाग रहे हैं। नासिक के नगर निगम के विटको अस्पताल में ये वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से भेज दिए गए हैं। ये वेंटिलेटर इसलिए प्रयोग में नहीं आ पा रहे क्योंकि इनमें कनेक्टर नहीं है। बिना कनेक्टर के ये वेंटिलेटर किसी काम के नहीं है, किसी की जान नहीं बचा सकते। नासिक में नगर निगम में बीजेपी की सत्ता है, यहाँ के मेयर ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। आज की कॉन्ट्रोवर्सी एवढंच आहे की मला माहिती नव्हतं तुम्हाला 12:30 बोलवलेलं आहे, मला काहीच माहिती नव्हतं तुमचं, मला जेवण बंद करायचं। विशाखापट्टनम की एक कंपनी ने ये वेंटिलेटर यहाँ तयार करके भेजे हैं। ज्या कंपनी ने ते वेंटिलेटर पुरवले त्याच कंपनी ने येऊन ते इंस्टॉल करून बसवून देऊन चालू करून देण्याची जबाबदारी त्यांची कमिशनिंगपर्यंतची जबाबदारी कंपनीची असते। कंपनीनं काय केलं, पहिल्या टर्ममध्ये फक्त व्हेंटिलेटरचे बॉक्स पाठवून दिले, परंतु ते जोडण्याचे कनेक्टर पाठवले नाही। आम्ही व्हेंटिलेटर आल्यापासून रोज त्यांना मेल करतो आहे, फोन करतो आहे, विनंती करतो आहे, परंतु त्यांच्यावर पूर्ण देशभराचे ते व्हेंटिलेटर पीएम केअरमधून आलेले असल्यामुळे त्यांना तिकडे तंत्रज्ञ कमी पडत आहेत, परंतु ते आज संध्याकाळपर्यंत त्यांचे कनेक्टरसह माणसं पाठवणार असं त्यांनी मला आश्वासन दिलेलं आहे। ते आल्यानंतर ते कनेक्टरसह जोडून आपण निश्चितपणे ते लवकरात लवकर चालू करू। एक छोटी सी कमी की वजह से लाखों का सामान बेकार पड़ा है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है जो शायद वेंटिलेटर की मदद से बच सकती थी। नासिक में अब तक 3,841 लोगों की जान कोविड 19 की वजह से गई है और अभी 34,000 से ज्यादा एक्टिव पेशेंट है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में कालाबाजारी, लूट खसोट की खूब शिकायतें आ रही हैं और इनके शिकार बने आम लोग जब शिकायत करने पहुंचते हैं थाने तो उनके साथ क्या होता है,
क्या पुलिस उनकी शिकायत को सुनकर एक्शन लेती है या फिर टालमटोल करती है। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस कमिश्नर साहब अपनी ही फोर्स की परीक्षा लेने फरियादी का रूप रख कर पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ देखिए जरा। सबने बचपन में ऐसी कहानियां सुनी है कि राजा अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए शहर में भेष बदल कर घूमने निकलते थे और पता करते थे कि उनके अधिकारी प्रजा के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, प्रजा उनके राजपाट में सुखी है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ शहर के पुलिस आयुक्त कृष्णा प्रकाश ने किया। बीती रात 12:30 बजे पुलिस कमिश्नर कृष्णा प्रकाश भेष बदलकर पिंपरी चिंचवड़ के 3 पुलिस स्टेशन में गए। अपना हुलिया उन्होंने ऐसा बनाया कि किसी पुलिसकर्मी को भनक भी नहीं हुई कि सीधे पुलिस कमिश्नर थाने आ पहुंचे हैं। कमिश्नर साहब के साथ सहायक पुलिस कमिश्नर प्रेरणा कट्टे भी उनकी पत्नी का रूप धर के पहुंची। कमिश्नर साहब का मकसद ये पता लगाना था कि आम जनता जब थाने जाती है तो उनके कर्मचारी कैसे पब्लिक के साथ पेश आते हैं, क्या लोगों की शिकायतों की सुनवाई होती है या आम लोगों को टाल मटोल करके भगा दिया जाता है। जापानी सिद्धांत गेंजी जिनबित्सु या चाइनीज जो सिद्धांत है सीइंग इज बिलीविंग का, जिसमें ये कहा गया कि बाई वेन बुरु ज्ञान, अर्थात 100 बार सुनने से अच्छा है 1 बार जाकर देखना, ये जरूरी हो जाता है जब हम किसी विषम परिस्थिति से मुकाबला कर रहे होते हैं। और यहाँ हम कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं, पूरी जनता कोरोना से मुकाबला कर रही है, और उस वक्त किसी खास विषम परिस्थिति में ही जनता का कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन तक जाता है, अदरवाइज वो बाहर नहीं निकल रहा है। पिंपरी चिंचवड़ शहर के पुलिस आयुक्त कृष्णा प्रकाश शहर के 3 बड़े पुलिस स्टेशन गए। तीनों जगह अलग अलग समस्याएं पुलिस कर्मियों के सामने रखी। एक जगह एम्बुलेंस वाले के ज्यादा किराया मांगने की शिकायत की तो दूसरी जगह अवैध धंधों के चलने की शिकायत की। सारी शिकायतें सही थी जो कमिश्नर साहब को दूसरे माध्यमों से मिली थी। 3 में से 2 पुलिस स्टेशन में तो पुलिस आयुक्त कृष्णा प्रकाश के साथ पुलिस कर्मियों ने अच्छा व्यवहार किया और उनकी समस्या का निदान करने की कोशिश की, मगर एक थाने में जहां उन्होंने एम्बुलेंस के ज्यादा किराया मांगने की शिकायत की थी वहां उन्हें झिड़क कर कह दिया गया कि ये हमारा काम नहीं है। इस पर कमिश्नर ने अपने मुंह पर से मास्क हटाया और अपने असली रूप में आ गए। अब तो पुलिस कर्मियों के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। कृष्ण प्रकाश ऐसा अक्सर करते आए हैं। जब वो बुलढाणा जिले में तैनात थे तब भी उन्होंने ऐसे ही भेष बदल कर थानों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की थी। पिंपरी चिंचवड़ से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।